नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेट डेटा मीन्स आप लोगों ने एक्सेल की एक शीट का डेटा दूसरी शीट में यूज़ करना। जैसे यहाँ पे मैंने शीट वन में डेटा लिखा हुआ है जनवरी मंथ का, जिसमें कि नेम लिखे हुए हैं पर्सन्स के, उन्होंने कितने पैसे विदड्रॉ किए हैं और कितने डिपॉजिट किए हैं। ऐसे शीट टू में हमारे पास फेब मंथ का डेटा है जिसमें नेम लिखे हुए हैं, उन्हीं पर्सन्स के नेम हैं, उनके ही विदड्रॉल हैं और डिपॉजिट है। तो हम इन दोनों शीट्स के डेटा को यूज़ करके उसका जो भी रिजल्ट है शीट थ्री में लेके आएंगे, उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेट डेटा। जब भी आप लोग एक शीट का डेटा दूसरी शीट पे यूज़ करना चाहते हो उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेट डेटा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को शीट थ्री में जाना है। शीट थ्री में जाके आप लोगों ने क्या करना है, डेटा मेनू बार पे जाना है, जहाँ पे आप लोगों को कंसोलिडेट की ऑप्शन दिखाई देगी। डेटा मेनू बार के अंदर आपको कंसोलिडेट की ऑप्शन दिखाई देगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे जाके क्या करना है, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये कंसोलिडेट रेंजेस हैं। यहाँ पे आपके पास फंक्शंस हैं, जैसे सम आप लोगों ने परफॉर्म करना है, काउंट, एवरेज, जो भी आप लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। हमने सम करना है, जनवरी मंथ और फरवरी मंथ का जो भी विदड्रॉ हुआ है उसका प्लस करना है, और जो भी जनवरी और फरवरी के मंथ में डिपॉजिट किया है उसका हमने सम करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सम फंक्शन आने देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है सोर्स डेटा रेंज पे, कहाँ से डेटा उठाना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे जब आप, आपके पास कंसोलिडेट सोर्स डाटा रेंज आ गई। अब आप शीट वन पे जाओ, शीट वन पे जाके आप लोग अपनी सारी रेंज सेलेक्ट कर लो, जिसको भी आप लोगों ने प्लस करना है। इस सारी रेंज में से मैंने प्लस करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों ने अगेन यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। आप लोगों की शीट वन की रेंज यहाँ पे ऐड ऑन हो गई। अब हम शीट टू की रेंज को ऐड करेंगे, उसके लिए अगेन क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और शीट टू पे जाना है। शीट टू पे जाके अगेन आप लोगों ने ये सारी रेंज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, देन अगेन ऐड पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों की शीट वन और शीट टू की दोनों रेंजेस सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जाके चेक कर लेना है, यहाँ पे ये आपका शीट थ्री वाला जहाँ पे रिजल्ट आपके पास आएगा। मोर पे क्लिक करके आप लोगों ने इन तीनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके रखना है, रो लेबल, कॉलम लेबल और लिंक टू सोर्स डेटा। रो लेबल क्या है, यहाँ पे आपके पास ये सारी रोज हैं तो ये रो लेबल में आ जाएगा। कॉलम लेबल में आपके पास ये नेम, विदड्रॉ, डिपॉजिट, ये सारे आपके पास क्या है, कॉलम है, तो ये कॉलम लेबल में आ जाएंगे। लिंक टू सोर्स डेटा क्या है कि अगर आप लोग मान लो जनवरी वाले डेटा में बाद में कुछ चेंज करते हो तो उसका जो ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज होके आपकी शीट थ्री में आपको दिखाई दे, जब आप टोटल करोगे शीट थ्री में तो आप लोगों को टोटल में भी वो चेंज दिखाई दे जो आप लोगों ने जनवरी या फरवरी वाले में चेंज किया होगा। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग ये लिंक टू सोर्स डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे टिक रखना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद जब आपने ओके पे क्लिक किया तब आपके पास ये रिजल्ट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। अब आप लोग चेक कर सकते हो, हम अजय का चेक कर लेते हैं, विदड्रॉ कितना है 30,000। तो शीट वन में विदड्रॉ कितना है 10,000 और शीट टू में कितना है 20,000 और टोटल कितना हो गया ये 30,000। ऐसे डिपॉजिट देख लेते हैं, जनवरी वाली शीट में शीट वन में 50,000 है और फरवरी वाली शीट में 60,000 है और इसका रिजल्ट आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, 110,000 अमाउंट उसने डिपॉजिट की है। तो ऐसे आप लोगों के बाकी सभी के रिजल्ट हैं, कमल 20,000 और 10,000, 30,000 उसने विदड्रॉ किया, 30,000 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे आप लोग दूसरी शीट्स का डेटा यूज़ कर सकते हो किसी अनदर शीट पे, इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेट डेटा। अब हम लोग चेंजेस करते हैं और चेक करते हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। हम यहाँ पे विदड्रॉल में चेंज करेंगे शीट टू के, शीट टू के अजय के विदड्रॉल में हम यहाँ पे कर देते हैं 30,000 कर देते हैं, उसके 30 अब यहाँ पे हो गया हमारे पास, 10 यहाँ पे और शीट थ्री में कितना चाहिए 40, यहाँ पे अब आपको 40,000 डिस्प्ले कर रहा है। ये लिंक टू डेटा सोर्स वाली हमने जो ऑप्शन टिक की थी उसके कारण ये हमारा चेंजेस हो रहा है। तो इस तरह आप लोग कंसोलिडेट डेटा को यूज़ कर सकते हो ओपन ऑफिस कैल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है सब टोटल का। सब टोटल मीन्स जैसे आपके पास यहाँ पे एक्सेल की शीट में डेटा है, शो लोकेशन है, जनवरी मंथ की रिपोर्ट है, ये ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनर और एस्प्रेसो।
अब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कपूरथला में ऑल्टो की 10 बुकिंग करवाई है, स्विफ्ट की 20, वैगनार की 10 और एस्प्रेसो की 20। ऐसे ही कपूरथला में फिर से हुई है बुकिंग जनवरी मंथ में, 20 ऑल्टो की, स्विफ्ट की 30, वैगनार की 15 और एस्प्रेसो की 17। ऐसे जलंधर है, जलंधर का रिकॉर्ड भी यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, लुधियाना का भी 2 टाइम आ रहा है। तो इसका जब हमने टोटल देखना है तो उस केस में हम लोग सब टोटल का यूज़ करेंगे। तो सब टोटल का यूज़ आप लोग कैसे करोगे, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने डेटा को सिलेक्ट करना है। सारे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है डेटा मेनू बार में, यहाँ पे आप लोगों को सब टोटल्स की ऑप्शन दिखाई देगी, इस पर क्लिक कर देना आपने। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका नेम है सब टोटल्स। अब आप लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बाय में जाना है, यहाँ पे शो लोकेशन ही सिलेक्ट करनी है। अब आपके पास यहाँ पे आप लोगों ने किस किस का टोटल करना है, ऑल्टो का करना है, स्विफ्ट का करना है, वैगनार का करना है और एस्प्रेसो का करना है। तो आप लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप लोगों का सम फंक्शन सिलेक्टेड है क्योंकि हमने सभी का टोटल करना है। अगर आप लोगों ने कोई और काम करना है तो आप लोग यहाँ से दूसरी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन टैब है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन टैब के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, पेज ब्रेक चाहिए तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हो, केस सेंसिटिव चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हो, प्री सोर्ट चाहिए हमें सोर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए, कोई फॉर्मेट आप लोगों को चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, अभी असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए तो हम इसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। आप लोग चेक कर सकते हो आपके पास आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे जलंधर का रिकॉर्ड है, जलंधर 2 बार था तो दोनों आपके पास आके उसका टोटल करके यहाँ पे दिखा दिया, ऑल्टो 15 और 10 25, स्विफ्ट के 10 और 11 21, वैगनार 15 और 11 26, एस्प्रेसो 25 और 11 36। फिर आपके पास कपूरथला का रिकॉर्ड आ गया, इसका टोटल करके आपको दिखा दिया, देन लुधियाने का और उसके बाद मोगे का, क्योंकि मोगा आपके पास एक ही बार था आपके डेटा में तो इसलिए वो लास्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आप लोगों को डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह आप लोग सब टोटल का यूज़ कर सकते हो ओपन ऑफिस कैल्स में।